ईशा बेटी, ईशा, तीसा, तीसा बेटी, बेटा मुझे पार्टी पिला दे बेटा। क्या बाबू, क्या मुझे दवा पिला दे बेटा, दवा पिला दो बाबू, आपको मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं बाबू, बहुत दर्द है मेरे सीने में। नहीं बाबू, बाबू नहीं, जिसे बेटी तुम कर नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। बाबू, बाबू तुमने कई दिनों से कुछ खाया भी तो नहीं है, बाबू मैं कुछ खाने को लाती हूँ। बेटी मैं बद्र सिंह बाबू, इस उम्र में मुझे तेरा ख्याल लगना चाहिए था, इस नन्ही से जान से अपना ख्याल लगवा रहा हूँ। नहीं बाबू, नहीं बाबू, ऐसे तो नहीं है बाबू, नहीं बाबू, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ बाबू। क्या है फिर आ गई तो यहाँ पे, कितनी बार मना किया है तुझसे, मैंने यहाँ पे मत आया कर खाना मांगने के लिए, रोज रोज आया करती है भिखारी कहेगी, चल भाग यहाँ से। ए भिखारी आज फिर आ गई तू, तो रोज रोज देखे परेशान है, हम चल निकल यहाँ से। किसी का भरोसा मत करना बेटी।
ये बुआ पे भरोसा करने लगता। बाबू आप नहीं रहो बाबू, आप नहीं रहो बाबू, किस सहारे अकेले छोड़ दिया, किस सहारे अकेले छोड़ दिया, छोड़ दिया छोड़ दिया, बाबा मुझसे बाबा मुझसे। कैसे भूलूं जो खेली बचपन जहां, मेरे बाबा हमेशा रहे थे वहां, मेरे बाबा हमेशा रहे थे वहां, उस गली का क्यों रास्ता मोड़ दिया, किस सहारे अकेली छोड़ दिया, किस सहारे अकेली छोड़ दिया, बाबा मुझसे छोड़कर चली गई बाबू। बाबू मैं तो सोच रही जाऊंगी, मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? अभी क्या अभी निकल अभी यहाँ से, तेरे बाप तो मर गया। क्या है क्या है? देखिए मैं जीव आज तुम्हारे यहाँ पे कभी भी निकल सी थी।
और चला यहाँ से भिखारी कहीं की, तेरे बाप को घर तोड़िए, मुझे सफाई करनी यहाँ पे। और चला देख क्या रही है, चल उठा अपना तीन तवा और निकल यहाँ से, चल नहीं कहाँ से आया था भिखारी कहीं के। कुछ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, भिखारी गई है, रोज आ जाते हो, चलो। क्या डेली डेली आया थी भीख मांगने, चलो आगे निकल। ये तो अभी यहाँ भीख मांग रही थी और अभी यहाँ भी। वही लड़की है जो वहां भीख मांग रही थी, अरे इसके माँ बाप इससे भीख मांग रहे हैं। बेटा बेटा उठो, देखो बेटा क्या हुआ। अरे चलो हम वहां बैठते हैं। अरे क्या हुआ, आराम से लड़की तुम भीख क्यों मांग रही हो, तुम्हारे माँ बाप को शर्म नहीं आती तुमसे भीख मंगवाते हुए। अरे क्या हुआ, अरे रो क्यों रही हो। नहीं है मेरा कोई इस दुनिया में, मर गए सब, मर गए मेरे माँ बाप। क्या हुआ तुम्हारे माँ बाप को, क्या हुआ था तुम्हारे माँ बाप को। माँ तो बचपन में चली गई थी मेरे को छोड़कर, मर गई थी मेरी माँ और बापू भी मर गए। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में बंद है मेरी किस्मत। अरे ये तो मुंबई का पता है। हाँ हाँ ये मुंबई का पता है और ये मेरी बुआ है। क्या आप मेरे को मुंबई तक पहुँचा सकते हो। हाँ मैं आपको मुंबई तक पहुँचा सकता हूँ, चलो पहले आपको मैं कुछ खिला देता हूँ। आपका नाम क्या है, आप ट्रेवल एजेंसी है बढ़िया, ये लो पैसे, यहाँ से मुंबई का टिकट मिलता है और इससे तो मुंबई जा सकती है। मैं लेट हो रहा हूँ बढ़िया, मेरा एग्जाम है, बाय। भैया यहाँ से मुंबई की टिकट मिलती है। हाँ मुंबई की टिकट मिलती है, आप अभी रुक जाओ, आपका नंबर आ जाएगा।
कहाँ जाना है आपको? मुंबई। एक मिनट रुको, ये लो पैसे। पैसे कैसे? पैसे तो है नहीं। पैसे नहीं होते हैं ना, तो तुम जैसे लोग ऐसे ही बोलते हो। चले यहाँ से, भिखारी कहीं के पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं जमा खाने। बेटी आपके साथ कौन है? मैं सर भाई। और आप मुंबई क्यों जाना चाहती हो? आपके माँ बाप कहाँ है? इस बॉक्स में क्या है बेटी आपके पास? इस बॉक्स में मेरी बुआ का पता और मेरी बुआ की फोटो है। क्या आप मेरे को इस पते पे पहुंचा सकते हो? आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, बाद में देखते हैं, ठीक है? सीमा, 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 हाय। क्यों जी, ये कौन है? अरे सीमा, ये अनाथ बेसहारा बच्ची है, उसका कोई मिलने वाला मुंबई में रहता है, उस दिन हमारे साथ रहेगी, चली गई। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो किसी भी सड़क छाप भिखारी को घर में ले आते हो। चल निकल बाहर यहाँ। माँ आने दो ना उसे, पापा कह रहे हैं कि बाद में चली जाएगी। तू तो अपनी चोंच ना बंद ही रख, समझा? चल अंदर। ठीक है, मुँह हाथ दोनों खाना लगाती हूँ, और तू यहाँ चुपचाप बैठ। चलो जी। सीमा। हाँ। खाना तैयार है? आज आपकी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। अरे सीमा, मैंने खाना खा लिया। अरे सीमा, हाँ? थोड़ा खाना उस बेचारी बच्ची को दे दे। आप तो चुप ही रहो, दे दूंगी मैं। और अब जाओ, बहुत रात भी हो गई है, ठीक है? मुझे भी नहीं। ओके बाय दीदी। चलो, आपको पापा वॉर्म अप करने के लिए बुला लेते हैं। अरे हाँ, चलो मैं चलती हूँ, मेरे को वॉर्म अप करना है। बाय बाय।
ये ले, पूछ ले, और हाँ खाके सुबह निकल जाना, भिखारी कहीं की। पापा घोड़ा बन जाओ ना, घोड़ा चला टिक 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 बाबू बाबू मुझे और आप भी चले गए बाबू। कैसे कह दूं कि तुम बिन मैं जी पाऊंगी, कैसे कह दूं कि तुम बिन मैं जी पाऊंगी, याद आएगी तो मैं कहां जाऊंगी, याद आएगी तो मैं कहां जाऊंगी, ऐसे रूठे ऐसे रूठे ऐसे रूठे और सपना तोड़ किस सहारे अकेले छोड़ दिया बाबा मुझे, तुम्हें तो ऐसे प्यार करती, मेरे को भी ऐसे झूला झुलाती बाबू 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 दादा बाबू, मेरे को अभी बहुत याद आ रही बाबू भैया। मम्मा ने उस लड़की को बहुत कम खाना दिया था ना। तुझे तो पता ही है मम्मी का मुझे, ऐसा कर कुछ खाना लिया उसे लेने चलते हैं, अभी तो मम्मी भी नहीं है। भैया भैया चलो भैया, मम्मा ने आज तुम्हें बहुत कम खाना खिलाया ना। क्या हो रहा है ये सब? हाँ तू ना अपने बाप पर ही गया है, चल उठ यहाँ से, चल अंदर, और तुम भी कुछ कम नहीं हो, चलो अंदर, भिखारिन कहीं की। छोड़ दिया बाबा मुझसे, बाबा
मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया, बाबा मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया, अपने घर का आंगन छोड़ दिया, किस सहारे अकेली छोड़ दिया बाबा मुझसे क्यों मुख मोड़ लिया, किस सहारे अकेली छोड़ दिया, किस सहारे अकेली छोड़ दिया। बेटा कौन थे वो लोग, क्यों पीछे कर रहे थे तुम्हारा? चलो गाड़ी बैठो। चलो बेटा हम यहाँ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं, उतरो। इसके बाद कुछ करते हैं। अरे गार्ड साहब एक मिनट, पानी मिलेगा पीने के लिए? जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। बोलो चले गए बेटा, तुम घबराओ मत बिल्कुल, लो पानी पियो। नहीं, वो लोग चले गए, घबराओ मत, आराम से। और पीना है? अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, डरो मत, क्या नाम है? मेरा नाम दिशा है। दिशा, दिशा तुम इस सुनसान रास्ते पे क्या कर रही थी और ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? ये लोग मेरे इस बॉक्स के पीछे पड़े थे भैया, अगर आपने होते तो ये लोग तो मेरे को मार ही देते। थैंक यू भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है। मैं तो बस यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था, तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मुझे लगा कोई मुसीबत में, मैं आ गया। वैसे इस बॉक्स में है क्या, जरा देख लो। ये क्या, एक फूल, फूल से खेलती हो? ये कौन है बेटा? ये मेरी बुआ है और ये मुंबई में रहते हैं, ये उनके घर का पता है, क्या आप मेरे को इस पते पे पहुंचा सकते हो? मुंबई का पता है, एक मिनट मैं देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तुम इस एड्रेस पे पहुंच सकते हो, कल हम बात करते हैं, मेरा एक फ्रेंड रहता है मुंबई, उससे बात करेंगे। हेलो प्रिंस। हाँ तो सुन मेरी बात यार, एक बच्चे है और वो काफी परेशान है। अच्छा, उसका कोई मुंबई रहता है। अच्छा
आप प्लीज सुन, ये एड्रेस मुंबई घाट गोपर का है। घाट गोपर? अरे प्रेम, वो तो अपना ही एरिया है पूरा। तो यार ये बच्ची के पेरेंट्स रहे हैं। तू ये घाट गोपर का एड्रेस है, तू पता मुझे क्या करना चाहिए? वो तू उसके लिए परेशान मत हो। तू एक काम कर, तू कल सुबह मॉर्निंग में मुंबई आ, फ्लाइट से या ट्रेन से, ठीक है? आता हूँ मैं मॉर्निंग में, पहुँचता हूँ, ठीक है? चलो ओके बाय। ये प्रिंस है ही क्या? हाँ प्रिंस आप कर। कौन सा? ये सामने आओ बेटा। मुंबई का माहौल सही नहीं चल रहा है। मुंबई का माहौल फिर बड़ो देखने का कौन आ रहा है। दरवाजे अरे प्रेम, हाँ अंदर अंदर। कैसा है? कैसा है तू? बस मैं बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ यार। हाँ अच्छा यार बता। प्रिंस मैंने बोला था ना, ये ही है वो बच्ची। अच्छा ये ही है बच्ची? इसके माँ बाप नहीं है। अच्छा और ये इसका एड्रेस है जो मैंने तेरे को बताया था ना? हाँ यार ये घाट गोपर का एड्रेस है बेटा, इसको पकड़ना इधर। ये एड्रेस है। अच्छा इसका कोई नहीं है यार, ये एड्रेस मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। बहुत परेशानी है बच्ची। तो तुम काम कर, बच्ची को ले जा, तुम दोनों आराम करो, ठीक है? इसकी बुआ को कल सुबह देखते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तू अंदर आराम, कुछ काम कर रहा है क्या? हाँ थोड़ा मीटिंग कर रहा था मैं। ठीक है तू काम कर ले अपना। हाँ ठीक है आराम कर। अच्छा अच्छा जाओ। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारी बुआ मिल जाएगी। अब एक अंकल आ गए ना। तुम्हें ये एड्रेस बता दीजिए प्लीज। भाई मुंबई बहुत बड़ा शहर है। आप देख लीजिए जरा यार, तो कहा था यार मिल जाएगा एड्रेस। मिल जाएगा एड्रेस, तू टेंशन ना ले, एड्रेस पे जरूर पहुंचेंगे, ठीक है? तो बुआ मिल जाए यार, बच्ची परेशान हो रही है, बुआ मिल जाए बस। हाँ नहीं नहीं मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले, मिल जाएगी। चल तो नहीं मिल रहे, एक काम करो मेरे को भी ऊपर ही बुला लो। भगवान जी अब आप जाओ, मैं भी चलती हूँ। Thank you.
तो सही कह रहा है। जा रहे हैं ना, ना भी मिल रही है हमें। ये तो ठीक है रे, पागल पहले नहीं बोल सकती थी, पहले बोलना चाहिए था तुम्हें। प्रिंस तू एक काम कर, इस नंबर को टाइम कर, फटाफट जल्दी कर, और इसकी बुआ मिल जाएगी। ये हमसे दूर चली जाएगी अब, तू कॉल कर। क्या हुआ? हेलो जी, कौन जी, बताइए जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या क्या कहा? मेरा भाई विनोद नहीं रहा? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब आप परेशान ना हो, आपके लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? आपके भाई विनोद की बेटी तिशा आपको ढूंढे ढूंढते मुंबई मेरे पास आ गई है। क्या आप उससे मिलना चाहती हैं? आप एक काम करिए, उस बच्चे को लेकर मेरे ही एड्रेस पर आ जाइए। ओके। वो इसकी बुआ बुला रही है। ओए, तेरी बुआ बुला रही है, अब तो हैप्पी हो जाना। मेरी बुआ मिल गई। हाँ हाँ, चल चल फटाफट चलते। अरे अभी तेरी बुआ मिल गई ना तेरे को, बस बुआ मिल गई है ना, तो बुआ मेरी बात सुनो, मैं आता रहूंगा, टेंशन मत लो। ओके बिल्कुल, हम आएंगे ना। अच्छा आपको तो रिपोर्ट में एहसान कैसे चुकाऊं आपको कि आपने मुझे बच्ची आज आपकी बदौलत मेरे भाई की बेटी मेरे पास है। मैं आप ऐसा जिंदगी में नहीं चाहते थे कि बच्ची आप तक पहुंचे। रोते नहीं है ना, तुम्हारी बुआ मिल गई ना, बुआ मिल गई ना।
के पास रहना है अभी। ओके बाय। आप लोग आते हैं एक्शन। अच्छा लग रहा था बेटी प्यारी लाडली। पैडल मारो पैडल मारो। Cut, cut.